बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। मैं हूं फौजिया वसीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अबीहास ट्रेंड्स। तो गाइज़, आज मैं आपके लिए बड़ा ही प्यारा नेकलाइन लेके आई हूं, जो कि आजकल बहुत ट्रेंड में है और बहुत खूबसूरत लगता है पहना हुआ, बहुत मॉडर्न लगता है। और आप देखिएगा कि ये कितना आसानी से बन जाता है, सिर्फ इसको समझने की ज़रूरत है कि ये किस तरह से बनेगा। सो मैंने ये फैब्रिक ले लिया है और इसकी मैंने प्रॉपर जो है वो कटिंग कर ली है शर्ट की, और इस तरह से मैं ये वाली लेस जो है ये यूज़ करेंगे। थोड़ी सी फैंसी लेस है और इसको मैंने इसके जो लीव्स हैं उनके साथ मैच किया है और मुझे लगता है कि बड़ी प्यारी लगेगी। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये नेकलाइन कैसी लगी है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन का ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अच्छा जी, ये इसका ट्राउज़र का फैब्रिक है और इस फैब्रिक को हम यूज़ करेंगे। दो मैंने पीसेस ले लिए हैं, ये मैं आपको बताऊंगी कि हमने किस तरह से यूज़ करना है। तो ये दोनों फैब्रिक हैं और इसके बाद हमने लिया है पेपर टिकन, और पेपर टिकन पे मैंने निशान लगा लिया है जी 14 इंच का, जो कि हमारे शाने का निशान है। और 14 इंच में से मैंने 2 इंच जो है वो इसको निशान लगा के 2 इंच का हमने शोल्डर रखना है और उसका हमने वी नेक 15 इंच का काट लिया है। इस तरह से इसको हमने फैब्रिक के ऊपर लगा लेना है। अब ये मैंने इसके ऊपर जो है इसको पेस्ट कर लिया है और अब आप देख लें कि इसको मैंने किस तरह से, ये देखें, ये तकरीबन 14.5 इंच है और 14-15 इंच ये सिलाई वगैरह हो के 14.5 इंच पे आ जाएगा। मेरे पास जो था वो टिकन ही इतना था और मतलब चौड़ाई उसकी, तो मैंने इसको 2 इंच शाना इसका रखा है पेपर टिकन पे, लेकिन आपने 2.5 इंच का रखना है, 2.5 इंच पर आपने इसको पेस्ट करना है। सो इस तरह से आप इसका जो नेक लाइन है वो इसके ऊपर स्टिच कर देंगे। अब इसको सीधा करके आपने इसको डबल सिलाई कर देनी है, एक बिल्कुल एज पे लगानी है और दूसरी जो है इसके पेपर टिकन की बिल्कुल दूसरी साइड पे। अब हमने इसको बिछा के अपनी शर्ट को बिल्कुल एक्यूरेट हमने 15 इंच पे हमने एग्जैक्ट सेट कर लेना। अब इसका जो सेंटर वाला हमने फैब्रिक बनाना है, जो इसका नेकलाइन बनानी है, उसको हमने 2.5 इंच पे रखा है। 2.5 इंच मैंने उसकी गहराई ली है और 2.5 इंच ही चौड़ाई ली है गले की, और इसको राउंड शेप में मैंने ये कर देना है। मीडियम स्मॉल साइज़ में ये बिल्कुल ठीक आता है। और इसी तरह से मैंने इसका जो रखा है वो ये देखें, ये इतना सा जो मैंने आधा इंच से भी कम मैंने रखा है इसकी लेस के साथ इसके अंदर सिलाई के लिए, और उसके आगे मुझे तकरीबन 1 इंच जो है वो मुझे चाहिए इसकी चौड़ाई, और इसके साथ मुझे थोड़ी सी आगे मैं इसको रखूँगी सिलाई के लिए, जो कि दूसरी तरफ हमें लेस लगानी है। सो इस तरह से आप देख लें कि टोटल मैंने तकरीबन 4.25 इंच पे इसकी कटिंग कर लेनी है, और कटिंग मैंने थोड़ी सी अंदर की तरफ रख के की है, ताकि थोड़ा सा उसमें थोड़ी शेप आ जाए, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं आए वो। अब मैंने इसको बिछा लिया है अपनी जो शर्ट को, और इसको एक्यूरेट मैंने 15 इंचेस पे मैंने इसको रखना है इसके शाने को, ताकि इसका जो शाना है वो इधर उधर ना हो और हमारे जो डिज़ाइन है हमें एक्यूरेट मिले। सो इसमें आपको समझने की ज़रूरत है कि इसको हमने किस तरह से लगाना है। हमारा जो टोटल हमारी चौड़ाई थी, हमारी ये शर्ट के जो वी नेक बनाया हमने, उसकी जो टोटल चौड़ाई थी वो 10 इंच थी सेंटर में, और 2.5 इंच हमें हमारी थी साइडों पे, और इस तरह हमारा शाना हो गया 15 इंच। तो अब जब हम इसका सेंटर वाला पैनल लगाएंगे तो उसको हमने इस तरह से रखना है कि आप दोनों साइडों पे पिंस लगा लें, ताकि आपका डिज़ाइन हिले नहीं। अब ये देखें, इस तरह से मुझे इसकी जो सेंटर वाले जो मैंने पैनल इसका बनाया है नेक का, वो हमें चाहिए तकरीबन 5 इंच गहराई पे। आप 5 इंच भी रख सकते हैं, आप 6 इंच भी रख सकते हैं। सो मैं इस वक्त इसको 5 इंच पे ये इस तरह से रख रही हूँ, और इस पर मैंने निशान लगा लेना कि यहाँ पर मुझे इसको अटैच करना है दोनों साइडों से, ठीक है। और इस तरह से आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा कि आपको कितनी इसकी कटिंग करनी है। अब मैं इस तरह से
अपनी जो तकरीबन 1.25 1.5 इंच की जो है, मैं उसकी मैंने बैन की जो चौड़ाई रखी थी वो मैं कटिंग कर रही हूँ थोड़ी सी। मैं आप देख लें कि मैं थोड़ी सी इसको कर्व में मैंने इसको रखा है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं रखा, क्योंकि वी नेक मेरी बिल्कुल स्ट्रेट है तो ये भी स्ट्रेट हो जाएगा तो उसका वो बिल्कुल ही एक वो वी शेप इस तरह से बिल्कुल थोड़ा उसको में गैप आ रहा है। सो इस तरह से मैं इसको थोड़ी सी शेप में रख रही हूँ। तो इसके बाद अब हम इस पे लगाएंगे अपनी लेस और इसको रेडी करेंगे सेंटर वाले पैनल को। तो चलें आए फिर इसके ऊपर हम लेस लगा के इसको कंप्लीट करते हैं और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि इसको किस तरह से हमने पूरा करना है। ये देखेंगे 5 इंच हमारा एक्यूरेट आ गया इसके ऊपर। अब इसके ऊपर मैंने बाद में मैं पिंस लगा लूँगी और पिंस लगा के इसको सेट कर लूँगी। अब इस तरह से मैं इसके जो लेस का है वो उल्टी साइड पे रख के मैं लेस लगा रही हूँ और इसको सीधी साइड पे टर्न कर दूँगी। जो डिज़ाइन वाला हिस्सा है वो मैंने बाहर की तरफ रखा है। इसी तरह पहले मैंने उल्टी साइड पे लेस का जो डिज़ाइन है वो अंदर की तरफ बाहर की तरफ रखा है, सॉरी अंदर की तरफ रखा है और वो टर्न होके बाहर की तरफ आ जाएगा। और जो नेक लाइन का मैंने रखा है वो मैंने इसके उलट किया है, यानी मैंने उसको डिज़ाइन वाले हिस्से को बाहर की तरफ रखा है ताकि वो अंदर की तरफ आ जाए। अब ये देखें ये हमारा डिज़ाइन जो है एक्यूरेट इसमें रेडी हो गया है। अब मैं इसके ऊपर निशान लगाऊंगी, मैंने पिंस लगा ली हैं ताकि मेरा डिज़ाइन हिले नहीं, और इसका जो नेक लाइन है वो बिल्कुल इसके बराबर आना चाहिए। अब मैं इसको अपनी जो मुझे चाहिए जितनी इसकी गहराई, मैं उस हिसाब से इस पे निशान लगा लूँगी। ये देखिए बिल्कुल इसके लेवल पे आना चाहिए इसके शोल्डर्स को। अब मुझे 5 या 6 इंच जितना भी इसका मुझे डिज़ाइन चाहिए जहाँ से मैंने अटैच करना है वहाँ से मैंने उसको पिंस लगा ली हैं, और पिंस लगा के मैं इसके ऊपर लेस लगा लूँगी। ये देखें मैंने एक्स्ट्रा सिलाई नहीं लगाई बल्कि मैंने उसी जो पिंस लगाई थी उसी के ऊपर मैं इसको लेस को अटैच कर रही हूँ। सो इस तरह से ये हमारा जो डिज़ाइन है वो फ्रंट का जो है वो कंप्लीट हो गया। अब इसमें एक मसला ये हुआ कि मैंने पहले ये सोचा था कि मैं इसको डोरियां लगाऊंगी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं नहीं मैं इसको बैन लगा दूं। तो इस तरह से आपने जो शोल्डर हैं वो इसको अटैच कर लेने हैं, स्टिच कर लेने हैं, और सिलाइयाँ जो हैं वो दोनों तरफ से पक्की कर लेनी है। अब जब मैं इस पे इस बैन लगाऊंगी तो इसका देखें मैंने बैक साइड से जो नेक लाइन है वो मैंने बिल्कुल नॉर्मल ही रखा है, ज़्यादा डीप भी नहीं करें और ज़्यादा ऊपर भी ना रखें। जैसे आपकी ख्वाहिश हो, जैसे आपकी मर्ज़ी हो, आप उसको उतना डीप कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो सेंटर वाली नेक लाइन है उस पर हमने अब बैन अटैच करना है। मैंने पहले नहीं किया क्योंकि मेरा डोरी लगाने का प्रोग्राम था, लेकिन फिर मैंने जब देखा कि तो मुझे लगा कि इसके ऊपर बैन ज़्यादा सूट करेगा, तो इस पे मैं अब बैन लगाने लगी हूँ। अब हम इसकी सबसे पहले जो चीज़ देखेंगे वो देखेंगे कि इंडियन बैन लगाने के लिए हमें इसकी जो चौड़ाई है वो देखनी है कि वो कितनी है। तो हम इसकी पहले इंची स्टेप से हम देखेंगे कि इस पर कितना बैन लगेगा। अब ये देखें ये टोटल जो है वो 1 इंच इसकी चौड़ाई है और 7 इंच का टोटल बैन लगेगा, और बैन आपने जो साइज़ करना है वो पूरी की पूरी इसकी जो चौड़ाई है वहाँ तक इसको करना है। अब मैंने ये 8-9 इंच का जो बैन है वो बना लिया है, बिल्कुल स्ट्रेट पट्टी आपने लगानी है, और इस तरह से मैंने इसको दोनों तरफ से अटैच करके सेंटर से इसकी कटिंग कर ली है। अब मैंने इसका निशान जो है वो 4.5 इंच पे 4.25 इंच पे लगा लिया ताकि सिलाई में भी उसने जाना है, और उसके बाद उसने ऊपर नीचे इसका टिच बटन भी लगेगा तो ये उसके लिए भी हमें मार्जिन चाहिए। अब ये मैंने इसको इनसाइड कर दिया है इसके जो जॉइंट को, और इस तरह से मैंने सीधा करके तो सिलाई लगा ली है। तो ये हमारा जो बैन है वो तैयार हो गया है। अगर आप लेस लगाने से पहले भी ये बैन लगाएंगे तो आपने इसी तरह से लगाना है ताकि जो सिलाई है जो जोड़ है इसका वो इनसाइड चला जाए। अब मैंने इसकी जो बैक साइड है उसके ऊपर मैंने मगजी लगा ली है, और मगजी लगा के उसके ऊपर भी मैंने सिलाई कर ली है,
और इस तरह से आप चाहें तो आप इसको तरपाई भी कर सकती हैं। अब मैंने इसके ऊपर जो है वो लेस लगा दी है, जो कि बिल्कुल भी फील नहीं हो रही थी कि मैंने इसको बाद में लगाया है, क्योंकि वो लेस भी कुछ इस तरह से थी और कलर भी इस तरह से कि वो बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा था। तो आप जब बनाएं तो आप बैंड को इसी तरह से आप 4 इंच लंबा पट्टी भी लगा सकती हैं और आप बाद में बैंड भी लगा सकती हैं और उसके ऊपर लेस जो है वो आप इकट्ठी लगा लें। तो ये थी हमारी आज की वीडियो और ये रहा हमारा फाइनल लुक। इसमें मैंने सेंटर में इसको शीशे लगा दिए हैं सेम कलर के, और मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह फिर आएंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए डिज़ाइन के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।